Simona. टेक लगा लीजिएगा जब तक जाए टेक लगा आदमी रूपी भाई और जो जो जहाँ से आया है सब खास है मौला के लिए सब खास हैं। अल्लाह कहे कि मैं भी आप उन खास में शामिल हूँ। तमाम मोमिनीन की सलामती के लिए तमाम शोहदा तमाम मुदाफईन हरमैन और खुसूस उस्ताद शहीद सैयद जाफर दहली साहब को याद करते हुए उन सब की बुलंदी दर्जात के लिए बावाद बुलंद नारे सलाम वक्त असल में बहुत ज्यादा हो गया हमें एक बहरहाल ज़ाती मामला है तो वापस पहुंचना है जितनी देर भी ड्यूटी लिखी है नौकरी लिखी है वहाँ हम मौला हमारे मुख्तार भाई को सलामत रखें आपकी मोहब्बत है जनाब ये गुमैन
ये तो मैंने ना, ये तो मेहदी शाह की जो कज़न, मौला मेहदी शाह साहब को उनके भाइयों को सलामत रखे, वो आज़ादार हैं, मौला उनके वालिदैन के दर्जा बुलंद फरमाए, मजीद से मजीद एक जैश नुमा सलवार पढ़े तो मैं सोच रहा था कि मैं शुरू करूंगा जब कोई दुआ और ना दवा काम करेगी नहीं मुझसे चार मैं कुछ और पढ़ लेता हूं आपके लिए आपके लिए तनवीर नकवी बन गए ना ये भी अल्लाह उनके दर्जात पर फरमाए तनवीर नकवी साहब के दर्जात मजीद से मजीद पर फरमाए इलाही आमीन चले मौला ही बैठे सारे और फजाइल चल रहे हैं मौला के तो मैं चांद इसलिए अकबर साहब के भाई ने भी थोड़ा सा ऐसा इशारा किया है मोहम्मद भी फजाइल पढ़ रहा था तो मैं फजाइल से ही शुरू कर रहा हूँ कोई काफिर कोई मुशरिक कह रहा हो जब तुम्हें कोई काफिर कोई मुशरिक कह रहा हो जब तुम्हें अरे क्या पहले मैं अपने लिए कह रहा हूं उसके बाद अगर किसी पर इल्जाम आए तो आए कि कोई काफिर कोई मुशरिक कह रहा हो जब एक हवा ऐसे चलती है हर दौर में फिर चल रही है हमें तो लुत्फ आता है मजा आता है इसका कि क्या बताऊं लोगों कितना कितना इस तरह जीने जीने में तुम उसमें जहां जाओ जो फजाइल सुनते हो क्या बताओ लुत्फ कितना इस तरह जीने में है और लोग तो लोग तो लोग तो लफ्जों का खैबर सुन के दुश्मन हो गए जी हैदर के फजाइल की जरूरत है।
हाँ जी आपने काम पूरा ही करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, अगले साल नहीं कराना है, काम नहीं है, मैंने कोई टेंशन नहीं है, आप खोल के बोलो। नहीं भाई हम तो हाजिर हैं, हाजिर हैं, आप तो छेड़ें बस हमें, हम तो इसी यही काम है, पैदा इसीलिए हुए हैं। हैदर के फजाएं जो हद जो हद ढूंढ रहे हैं दूसरे मिसरे में डॉक्टर सलमान साहब मौला ने उन्होंने हक अदा किया, पहले मिसरे में सवाल किया, दूसरे मिसरे में उनको उसका जवाब दे दिया कि हैदर के पहली शबान जनाबे
सरकारे शाली ज़रा ख़ुशबू तो आ जाएगा कि आप भाइयों का जिक्र सुनने आए हैं तो बहन का जिक्र भी सुनना बेशक भेजता हूँ, मुमकिन है हमारी अभी नदीम भाई ने खबर सुन ली है, इस इन अशार के सबके, इन मिसरों के सबके, इस महफिल के सबके हमारी हाजिरी मिली अपने दरबार, हमारा नाम भी इसके आने के दरबार में लबों पे जारी है। अली बाबा, अली बाबा जो बीबी के जिक्र में बोलता है बोलेगा, उसका नाम जनाब हसनैन लिखेंगे इंशाअल्लाह। मदहे ज़ैनब, मदहे ज़ैनब लबों पे जारी है। जब तक मैं सारे मुतवज्जो नहीं हो जाएंगे मैं सही पढ़ता रहूंगा। मदहे ज़ैनब लबों पे जारी है, मदहे ज़ैनब लबों पे जारी है। मेरी हर बात अब तुम्हारी
आप जीत रहे अब तुम्हारी है आप जीत रहे आप जीत रहे शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ फिर गया है यजीद का चेहरा मधे जैनब
और चूम चूम लो बढ़ के मुर्तजे के कदम अली बाबा अब तो मैं कसम के शेर आप लो अली बाबा चूम लो बढ़ के मुर्तजे शेर पढ़ना बनता है
और जब किया मैंने माता में है तुम्हारी और जब किया मैंने माता में संजीया तो माने 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 मेरी तो फिर तमाम
نہیں دیدار صاحب نے حق پورا کیا سبحان اللہ مولا آپ کو سامان رکھے مولا آباد رکھے شہدان کے صدقے میں کی مرادوں کو مالک آمین 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 تم پہ جاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیغام بھی سن لیں اسی حوالے سے اسی خرچ کے حوالے سے کہ خود کو بولے بھائی اب یہاں چھوڑ دینا مائک کہاں ہے یہ مائک والے بڑے سے یہاں رکھیے گا بہت ساتھ دے رہے ہیں مولا آپ کو سامنے لگے خود کو بولے کنیز زینب وہ کوئی برابر والا اگر برابر والے کو دیکھے تو اپنی ذمہ داری پر برابر والا برابر والے کو دیکھے اس کو دیکھ رہا ہوگا اس کو جو وہ دوبارہ سے دیکھے گا پلٹ کر وہ اس کا اپنا قصور ہوگا اگر دوسرا مثال پہنچ گیا آپ کو کہ کیوں Yeah.
कागज पे लिख दिया आपकी क्या बात है आप जीते
शेर छोड़ छोड़ कर दो से तीन शेर पढ़ता हूँ चुनकर हुसैन बांट रहे हैं ले जाओ ले जाओ कुछ आंसू होते हुए कायनात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं ले जाओ सारे माथे भी बैठे गरीब से शेर पढ़ता हूँ आगाज कर रहा हूँ के कहेंगे कहेंगे मात भी हलकों से लोग मेरे चरने कहेंगे कहेंगे मात भी हलकों से लोग मेरे अरे हमें हुसैन की जन्नत में साथ अरे साथ ले जाओ कहेंगे मात में हलकों से लोग मेरे हमें भाई अमर भाई के मुबाहला में खुदा ने ये मुस्तफा से कहा मुबाहला में खुदा ने ये मुस्तफा से कहा के अब आप कह रहे हो जी जी उससे पहले एक शेर पढ़ दूं एक थोड़ा सा टेक्निकल शेर है ये रिकॉर्डिंग में नहीं है आप मौला कसम ना मेरी तबीयत मेरी आवाज वैसे भी है जैसे होनी चाहिए लेकिन आप उससे ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं मौला आपको सामने रखे मौला इज्जत में इजाफा फरमाए एक शेर सुन लीजिए पहले में सिर पे सन्नाटा हो जाएगा घबराइएगा मत जी हाँ तैयारी करें खामोशी की लेकिन दूसरे मिसर पे जो चुप रहेगा ना फिर वो ज्यादती करेंगे मेरे साथ नहीं जिक्र के साथ जाती दरे हुसैन शुक्रिया भाई अच्छा साथ दे रहे हो आप दरे हुसैन
से तुम खाली हाथ आओगे
अली मौला जी आपके सुनने वाले मौला के जिक्र में जो सरशाद बैठे हैं मालिक ने सलामत रखे इलाही आमीन। आप हैं हर जगह कहता हूँ आप हैं तो ये सब रौनक है बेशक मौला की रहमत और बरकात के बाद आप सब हैं तो ये जिक्र हो रहा है। आप सब हैं तो कोई मीर हसन है कोई हाफिज जदी है कोई मोहम्मद शाह है कोई नदीम सुमर है कोई मौला कसम आप हैं तो मौला आपको सलामत रखे ये रौनक के जीनत महफिल है जीनत मजलिस आप सारे मौले के नजरदारों के घरों पर अपना अच्छा चले मेरे भाई सफर कह रहा है आखिरी में दो या तीन या शायद एक शेर आप सब हमारा है कोई तवज्जो की जरूरत नहीं है कि भाई फिर पढ़ लूँ इंशाल्लाह बहुत सारे अहकामात हैं सबसे तामील नहीं हो सकती एक वक्त में इंशाल्लाह मालिक ने चाह फिर हाजिर होगी फिर जिक्र होता रहेगा सिलसिला बाकी रहेगा मन शायरा बे जहां खींचते अब आपका इम्तिहान है जो शेर सुनता है जो मिसरे सुनता है जो नदीम काफिया सुनता है हम मन शायरा बे जहां खींचते जहन के पर्दे पर मंजर बना दे क्या क्या
नजर आने लग जाए बगैर देखे वो शेर होता है कि वो देखो शुरू हो जाएगी
इमाम पाक डॉक्टर गुलाम शाह तहसील कबीर वालों में पाकिस्तान के नाम का अदा करें और उन्हें खुदा फरमाएंगे और इनसे शिकर की सलाह 14 और 15 शवाल की दरमियानी शब्द इसी मामबार का यानी मरकजी मामबार का हुसैनिया सादा कामया कामयाबी में अजीम शान जश्न ज़ुहूर इमाम ज़माने मुसलम قدیمی جشن میں ملک کے نام پر موضع کے انتظام فرمائیں گے جشن پاک ٹھیک بعد از نماز مغرب شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ 1 بجے دعائے کمیل ہوگی اور سحری کا بھی انتظام ہوگا تمام مومنین سے التماس ہے 14 اور 15 شوال المعظم اسی مرکزی امام برگاہ حسینیہ سادات میں شریک جشن ہو کر ثواب یہ نارائن حاصل کریں لیکن آپ ذمہ فرمائیں کل 7 شوال المعظم جشن سرکار بندی قاسم القرآن سنتر جلالہ کے اوپر مسجد اعلی گرامی کے ساتھ موسیٰ شاہی کے حال میں سلام علیہ شروع ماں کے سنگر سفید ہے پہلے بار کے زیر پر ہونے کی دھوگت اس میں کافی زیادہ کری بائی گرام کی دھوگت رہن گے کل 7 شبان بعد از رمائی مہر بین القرآن سنتر جلالہ کے اوپر مسجد اعلی گرامی کے ساتھ شرکت کی قبول پر کل ٹھیک 5 بجے بیارش کا لیگر زیگاں پاس بریانہ سے چادر دربار کے انتبیر کے روانہ ہوگی کل ٹھیک 5 بجے چادر دربار تین کبھی کروانا ہوگا شرکت کی ضرورت